इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर, अभी अभी बड़ा हादसा हुआ है और किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर अभी अभी जो है एक बस पलट गई है जिसमें कई यात्री जो बीच में फंसे हुए थे काफी बुरी तरह से, कई घायल भी हुए हैं उनको एम्बुलेंस, आप देख सकते हैं कि काफी एम्बुलेंसेस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। करनाल नेशनल हाईवे 1 पर अभी अभी ये हादसा हुआ जहाँ पर हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई है, काफी यात्री इस बस में सवार थे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से, सर कहाँ से कहाँ ये बस जा रही थी और कैसे हादसा हुआ? चंडीगढ़ से जा रही थी सर, फरीदाबाद। तो कैसे पलटी, कोई तेज चल रही थी? ये तेज थी और ओवरटेकिंग के चक्कर में गई है गाड़ी। तो कोई पहुंची थी एम्बुलेंस काफी देर? नहीं नहीं, अभी अभी आई है आपके सामने सामने ही उसमें बहुत ज्यादा है जी। सर आप बताए, हरियाणा रोड उसकी बसें काफी स्पीड से चलती है, आप भी बस में थे जब हादसा हुआ? नहीं, मैं तो साइड से गुजर रहा था और उस साइड में रोके, इनको निकालने सवारियों को निकालने के लिए रुके थे। एक को साइड से को एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें कुछ सवारी बिठा दी है, बाद में दो एम्बुलेंस हो रही है, अब कुछ चीज में बिठाई है। तो ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से फरीदाबाद जा रही हरियाणा रोडवेज की बस किस तरह से बीचों बीच पड़ जाती है। आप देख सकते हैं काफी लोगों जो है घायल भी हुए हैं, काफी लोगों को जो है हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक और यात्री है, किस तरह से उनके भी जो है खून काफी ज्यादा लगा हुआ है। बहू जी ठीक है आपकी हालत इस समय? तो कैसे हुआ सर, बस तेज थी या कैसे सर? नहीं बिल्कुल सही थी, पता नहीं लगा कैसे हो गया बस। तो कहां से कहां जा रही थी सर ये? अब कुछ याद नहीं, कार वाला ओवरटेक कर गया, ब्रेक मार गया। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा रोडवेज की बस जो है अभी कुछ ही देर पहले यहां पर पलटी है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल नेशनल हाईवे 1 पर किस तरह से अनाज मंडी फ्लाईओवर के सामने ये बड़ा हादसा हुआ और किस तरह से बीचों बीच जो है आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ से फरीदाबाद जाती हुई हरियाणा रोडवेज की जो बस है किस तरह से बीचों बीच पलट गई, जिसमें कई यात्रियों को चोटें आई हैं जिनको अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और जो भी घायल है उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। कुछ और लोग भी हैं जिनको यहाँ पर चोटें लगी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग काफी डरे हुए हैं, फैमिलीज काफी हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर थे, रो रो कर उनका बुरा हाल है। भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं करनाल नेशनल हाईवे 1 पर हादसा हुआ है। आप एम्बुलेंस में ले जाए इनको जी, ले जाए एक बार, आप ले जाए एक बार, टिकट पे साइन कर दिए, कर दिए साइन, फिर बैठ आप ले जाइए, बैठे एम्बुलेंस में, बहन जी बैठे, बिठाना इनको एक बार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं, मामूली चोटें जरूर आई हैं, परिवार काफी थे। एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से टला है करनाल नेशनल हाईवे 1 पर, नए अनाज मंडी फ्लाईओवर के सामने यह हादसा होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे हो? यही वहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि विश्वास नहीं होता कि एम्बुलेंसेस काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है मरीजों को ले जाती हैं, सिर्फ देखना ही है कि सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, फर्स्ट एड इनको जरूर समय रहते मिलनी चाहिए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल नेशनल हाईवे 1 पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा रोडवेज की बस जो है नेशनल हाईवे 1 पर नई अनाज मंडी के सामने पलट जाती है। काफ़ी लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस जो है काफ़ी स्पीड से जो है चलती है और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे 1 पर यह बस हादसा हुआ है, जहां पर हम आपको बताएं कि समय मौजूद है करनाल नेशनल हाईवे 1 पर, जहां पर नई अनाज मंडी के सामने चंडीगढ़ से फरीदाबाद जा रही हरियाणा रोडवेज की बस जो है अभी पलट गई है, जिसमें काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं जिनको अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें घायलों को। आप देख सकते हैं कि काफ़ी एम्बुलेंसिस की गाड़ियाँ भी पहुँची हैं और सभी घायलों को जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। गनीमत यह है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन घायल काफी हुए हैं लोग, काफी लोगों को चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल नेशनल हाईवे पर, जहां पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की बस जो है किस तरह से पलटने के कारण यह हादसा हुआ, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, हाईवे पर जो यातायात है उसको रोक दिया गया है। यह तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी जो बस है जो चंडीगढ़ से फरीदाबाद की तरफ जा रही थी। तो ये तस्वीरें से हमने देखी, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। करनाल नेशनल हाईवे 1 पर यह एक बड़ा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें से आप देख सकते हैं। तो इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे 1 से, और जिस तरीके से चंडीगढ़ से फरीदाबाद से चंडीगढ़ जा रही बस रोडवेज की बस किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के बीचों बीच जो है पलट गई है। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि लोगों को चोटें जरूर आई है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा इतनी चोटें नहीं आई। आप इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची है, काफी 4 से 5 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची ताकि जल्द से जल्द जो भी घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि किस तरीके से बस जो है सड़क के बीचों बीच पलट
की। हालांकि जो ड्राइवर है उनका कहना था कि आगे कोई गाड़ी आ गई थी, पुलिस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मधुबन थाने पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे हम, हमारे को पता लग गया भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस मौके पर आ गई, सभी को कल्पना चला मेडिकल में भिजवा दिया। कहाँ से कहाँ जा रही थी दिल्ली टू चंडीगढ़ टू दिल्ली है जी चंडीगढ़ से बल्लभगढ़ चंडीगढ़ टू बल्लभगढ़ हाँ बचाव है बाकी ठीक है लेकिन बचाव है। तो जैसा कि हमें सर ने बताया कि चोटें आई हैं लेकिन फिर भी बचाव हो गया है। दिल्ली से बल्लभगढ़ बस जा रही थी, इस तरीके से दिन में किस तरीके से बस जो है सड़क के पीछे पड़ गई। हमारे लोगों से अपील है ये ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि रोडवेज की बस देखा जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी एक कारण जरूर रहा होगा इस तरीके से इतने बड़े हादसे का, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। तो हमारे आप लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक स्पीड लिमिट जो है वो फॉलो की जाए, तो इसकी अपील जो है हम लोगों से करना चाहेंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि जितने भी घायल लोग थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची थी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जल्द से जल्द इस बस को भी यहां से हटाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी करनाल नेशनल हाईवे 1 पर, जहां पर अभी अभी एक हरियाणा रोडवेज की बस पलटी है जिसमें काफी लोग जो है घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल्स में जो है लेकर जाया गया है और आप देख सकते हैं कि यातायात किस तरह से बंद कर दिया गया है, जो दोनों तरफ से ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। करनाल नेशनल हाईवे 1 पर अनाज मंडी के सामने यह हादसा हुआ जहां पर हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट जाती है और जिस कारण काफी लोग जो है इसमें घायल हुए हैं जिनको अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ये तस्वीरें समय करनाल नेशनल हाईवे 1 से देख सकते हैं। तो इस समय आपने तस्वीरें देखी करनाल नेशनल हाईवे 1 से।